बारिशों के नए स्पेल ने गवादर के मकीनों की मुश्किलात बढ़ा दी। कल मजीद तेज बारिश का एक और सिलसिला बलूचिस्तान में दाखिल होगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल बरसेंगे। वादी नीलम में 3 हफ्ते बाद भी अहम राबता सड़कों से बर्फ नहीं हटाई जा सकी। महकमा मौसमियात ने रमजान का पहला अशरा अच्छा गुजरने की नवीद सुना दी। पानी से भरे बादलों का बलूचिस्तान का मुसलसल घेराव। कुछ दिन पहले हुई बारिश का पानी निकला न था कि एक और नया स्पेल तबाही मचाने आ गया। ग्वादर में 21, तुरबत 10, जबकि उरमाड़ा, जीवानी, पसनी, अवारान और पंजगूर में 2 मिलीमीटर बारिश बरसी। फ्लैश फ्लडिंग का खतरा भी बढ़ गया। उस पर सितम ये कि आइंदा 3 रोज के दौरान जनूबी और शुमाली बलूचिस्तान में मजीद बरसात और बर्फबारी हो सकती है। आजाद कश्मीर की वादी नीलम में बर्फबारी के बाद मसाइल 3 हफ्ते बाद भी हल न हो सके। केल से ताव बढ़ जाने वाली मरकजी शाहराह मुसलसल बंद है। ग्रेस वैली, शूंटर, जानोई समेत मुख्तलिफ इलाकों में लोग महसूर होकर रह गए। सरगन और लवादबाला की राबता सड़कें भी बंद हैं। मुतासरा इलाकों में खाने पीने की अशिया की कमी और मरीजों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। सोने पे सुहागा ये कि 12 से 15 मार्च तक फिर आजाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई है। केटी बंदर के करीब डूबने वाले मजीद 2 माहीगीरों की लाशें मिल गईं। बाकी 10 मछेरों की तलाश का काम अभी जारी है। ऑपरेशन के 6ठे रोज मिलने वाली 2 लाशों को जिले इंतजामिया ने इब्राहिम हैदरी रवाना कर दिया। अब तक मजमुई तौर पर 4 माहीगीरों की लाशें निकाली जा चुकी हैं।